जय हिंद वंदे मातरम। आज का टॉपिक है आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो फाइनल हो गया, इंडिया जीत गया। बात इसका इतना टॉपिक है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जाडेजा ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, टूर्नामेंट वही फाइनल जीतने का बात ही मतलब कितना हाई नोट पे वो रिटायरमेंट अनाउंस किया। ये कितनी बड़ी बात है। जितना हमारा बेंच स्ट्रेंथ है, जो न्यू जनरेशन है, इनको चांस देने के लिए उन्होंने छोड़ा, मतलब अपना करियर को दी एंड किया। अच्छी बात है, हाई नोट पे इनको छोड़ रहे हैं। वायरस ये पाकिस्तान होता, कोई अगर वर्ल्ड कप जीत जाता और उसका कैप्टेन बेस्ट बॉलर और ऑलराउंडर और बेस्ट बैट्समैन, किसी को उनका इनमें बात करने का भी नहीं, वो 10 साल भी कोई बात नहीं कर सकता था। ये वो इफ्तिकार एक चाचा है, तो उसका 37-37 साल हो गया, टीम हारा है, एक भी आदमी ने रिटायरमेंट का घोषणा नहीं किया, ना कोचिंग, ना मैनेजर, ना प्लेयर, ना ये लोग मुनाफिक है ये लोग। और ऊपर से इंजमाम उलहक, सलीम मालिक, ये लोग बॉल टेम्परिंग का बात करता है। सलीम मालिक वो बंदा है जिंदगी भर उसमें चार्जेस था मैच फिक्सिंग का। इंजमाम उलहक एक आलू गोबर की तरह है और बात करता है कि इंडिया ने बॉल टेम्परिंग किया, चीटिंग किया। फिर आ जाता है स्काई का वो जो मैच था डेव मिलर वाला, डेव मिलर का मैच कितना बढ़िया ये किया, वो जो बाउंड्री रोड वो पूरा कैमरे में दिख रहा है, बाउंड्री रोड को टच नहीं किया, नीचे ग्रास पे एक मार्किंग है तो वो होता है रे भाई। इतना बड़ा फील्ड में 360 डिग्री राउंड में जो रोड पे थोड़ा आगे थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर रहता है, जिसने लगाया वो लगता होगा उसमें, इसके साथ ये कैच का क्या मतलब संपर्क, कोई कनेक्शन नहीं है। जो थर्ड अंपायर था उसने 100-200 कैमरे में देखा है क्लियर, उसने बोला है साथ साथ थोड़ी आउट दिया अंपायर ने, अंपायर ने बोला थर्ड अंपायर देखो उसको क्या है बाउंड्री में कैच किया। फिर थर्ड अंपायर ने उसका 14 कैमरा लगा के देखा है, भाई सूर्या ने ऐसा क्लीन कैच किया है मतलब इसमें कुछ बोलने का नहीं बच रहा है। और ये लोग इतना जेलस है, डॉक्टर नमन्या, रशीद और एक मुजफ्फर कमरान, ये लोग अच्छा एनालिसिस करता है, एनालिसिस भी अच्छा किया इंडिया का जो है, मतलब जो सच है वो इनका जेलस ही इतना है। उनका टीम तो कुछ नहीं कर रहा, दूसरा क्यों करे, इंडिया क्यों करे। और इनका जाने का, इनका जो टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप आर्मी में ट्रेनिंग लेती हुई, पहाड़ में चढ़ रहा है, कोई पत्थर उठा रहा है, ये सब करके गया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, जाने के टाइम में उसका जो आर्मी जीतता है वो बोल रहा है भले ही सब मच हार जाना, इंडिया से मत हार, और उन्होंने सर इंडिया में लुटिया डुबाई इनका। और तेज बॉलर चार चार लेके वो लोग खेल रहा है, जहाँ पिच ऐसा है न्यूयॉर्क में तो ठीक था, मोहम्मद आमिर, हारिस रो, शाहीन शाह अफरीदी और एक किया था, चार पेस बॉलर और एक स्पिनर एक है और शादाब खान, उसको तो जैसे ढो रहा है टीम, इस टाइप का इन लोग का चल रहा है। लेकिन उनको कोई शर्म आया नाम का कोई चीज़ है, चलिए भाई वो भी आते हैं। फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली और जडेजा की रिटायरमेंट के लिए, उन्होंने ऐसा रिटायरमेंट लिया मतलब ये लोग सोच रहा है कि क्रिकेट ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्रिकेट मान इज्जत सम्मान सब कुछ है, इससे बड़ा हाई नोट और क्या हो सकता है। फिर भी ये लोग मानते नहीं है। रोहित शर्मा ऐसा प्लेयर है अकेला टीम को जिता देता है, विराट कोहली पूरा टूर्नामेंट में उनका बैट अच्छा नहीं चला लेकिन फाइनल में उनको पता था कि दिस इज द टाइम, और मैन ऑफ द मैच हुआ इतना 30 पर 3 आउट होने का बाद फिर उन्होंने चालू किया। रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव 35 का अंदर 3 विकेट चला गया, और रोहित शर्मा ने विराट कोहली ने कितना हाई 5 गेंदों में 15 रन कर लिए, 310 स्ट्राइक से शुरू किया था, फिर जब देखा प्लेयर आउट हो गया तो फिर वो विकेट में टिक गया, अपना नेचुरल गेम खेलने लगा,
दूसरों को खिलाता रहा। अभी सीनियर प्लेयर है तो जूनियर वाला जूनियर प्लेयर आते तो बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे, जैसे अक्षर ने किया, शिवम दुबे ने किया। जब उनका 50 हो गया फिर उन्होंने गियर चेंज किया, फिर इंडिया के कोचिंग का क्या बताऊँ। राहुल द्रविड़ जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनके करियर में था, फिर उन्होंने ऐसा नहीं उनको डायरेक्ट कोचिंग में लिया, वो अंडर 19 टीम का कोचिंग करते रहे इतना साल, इतना प्लेयर को ग्रूमिंग किया। फिर NCAA में आया, NCAA में आने के बाद फिर उनको 4 साल कोचिंग के लिए दिया गया। ऐसा नहीं किसी का सिफारिश में आया, वो अपने मतलब करियर खत्म किया, फिर कोचिंग किया, फिर जाके टीम इंडिया का कोच बना। अभी उन्होंने कोचिंग से उनको बोला कि दोबारा अप्लाई करें कोचिंग को एक्सटेंड करने, उन्होंने मना किया क्योंकि उनका लड़का जो है कर्नाटका से रणजी खेल रहा है, और कहीं ये ना हो वो आगे भी इंडिया टीम इंडिया में आ सकता है, वो अच्छा बैठता है, आगे ये ना हो कि वो उसका सिफारिश के चलते वो आ गया, ये सोच के वो अपने आप हट गए हैं। मतलब अच्छा हुआ है, ठीक है, लाइफ टाइम कोई आदमी कोई सर्विस में रहता है क्या, तो ये ऐसा ही रहता है, 2 साल 3 साल 4 साल का रहता है, तो उन्होंने 4 साल किया कोचिंग, और अच्छा है। गौतम गंभीर आएगा, वो अपना नया सोच लाएगा, यंग ब्लड लाएगा T20 में, अच्छा करेगा। लेकिन पाकिस्तान वाले कभी ये सब इसमें, ये अर्शदीप सिंह एशिया कप में हाईएस्ट विकेट टेकर, इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर, वो बोलते हैं कि ये बहुत चीटिंग करता है, मतलब कितना बेतुके बातें करता है, इनका बात सुनने से ना खाली दिमाग गर्म होता है और कुछ नहीं, इतना जेलसी, और भी नेशनल टीवी में बैठ के बात करते हैं, कभी बोलते हैं सूर्या का कैच कट नहीं हुआ है, कभी ये कभी वो, सुनते चलो दोस्तों जय हिंद।